नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत जौहन और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कातल मछली का जो स्ट्रिपिंग प्रोसेस है वो दिखाने वाला हूं। किस तरह से कातल मछली से अंडा लिया जाता है और इस अंडे को किस तरह से जो है प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, कातल मछली ब्रीडिंग कराने के लिए दो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, एक है नेचुरल तकनीक और दूसरा है स्ट्रिपिंग। आज जो मैं तकनीक दिखाऊंगा वो है स्ट्रिपिंग तकनीक, किस तरह से इस मछली को ब्रीडिंग कराया जाता है स्ट्रिपिंग तकनीक से। दोस्तों, नेचुरल ब्रीडिंग जो तरीका है वो सबसे सेफ होता है, लेकिन स्ट्रिपिंग में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि मछलियाँ मरने की खतरा जो है वो हमारा तालाब में रह जाता है। ये इसका दो रीज़न है, एक है सही डोज ना हो पाना और दूसरा रीज़न है सही से स्ट्रिपिंग ना कर पाना। तो दोस्तों, डोज अगर मछली का हार्मोन जो डोज दिया जाता है वो अगर सही नहीं होता है तो मछली का एक जो है वो क्लियरली रिलीज जो है हो नहीं पाती है, जिसके वजह से आपका मछलियाँ मर भी जाती है और मछली का अंडा जो है क्लियर ना होने के वजह से भी मछलियाँ मरती है। और दूसरा जो तकनीक चीज़ के बाद मैं बोल रहा हूँ वो है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग सही से अगर नहीं कर पाते हैं तो भी मछलियाँ मर जाती है। अगर इस जगह की बात करूँ तो आप थोड़ा ध्यान से इस उंगली को देखिए, जहाँ पे उंगली दबाया जा रहा है इस जगह में ज़्यादा रगड़ने से ज़्यादा प्रेशर गिरने से लाल हो जाता है, फिर यहीं से जो मछली का बॉडी लाल होने लगता है और आप जब मछलियाँ तालाब में छोड़ देते हैं तो मछलियाँ मर भी जाती है। नया नया जो लोग हैं जो ब्रीडिंग कराते हैं वो स्ट्रिपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ से लाल हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा प्रेशर पेट में नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो अंदर की तरफ हड्डियाँ भी टूट सकती है, जिसके वजह से आपका मछली जो है मर सकती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होगा। डोजेस मछली का जो है वो सही से लगाना होता है, अगर सही से मछली का डोज नहीं दिया जाता है तो मछली का पेट में अंडा नरम नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो मछलियाँ क्लियर नहीं अंडा देती है, जिसके वजह से किसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं मछली का पेट में अंडा जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा निकलने के लिए, यही प्रेशर के वजह से ये मछली मर भी जाती है। तो ये काफ़ी रिक्सी भी होता है ये स्ट्रिपिंग टेक्निक, तो इसके लिए प्रेशर जो है वो हल्का तरीके से देना पड़ता है और मछली का डोजेज देने के बाद 12 घंटा में ही मछली अंडा दे देती है, 10 से 12 घंटा में आमतौर पे मछली अंडा देती है, तभी आप नेचुरल भी कर सकते हैं और स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, फीमेल मछली का अंडा लेने के बाद आपको मेल मछली का स्पॉन जो है उसको देना होता है, तो इसका भी एक रेशियो होता है, आमतौर पे 1:1 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक फीमेल मछली के लिए एक मेल मछली। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ब्रीडिंग का सीज़न पहला स्टार्ट होता है तब मेल मछली का सीमन जो है बहुत ही कम रहता है, जिसके वजह से कभी कभी 1:2 का भी इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जितना मछली का अंडा है उस हिसाब से इस गमले में जो है मेल दिया गया है वो बहुत ही कम है, इसीलिए इस जगह पे मैंने दूसरा तकनीक का इस्तेमाल किया, इसमें मैंने 1:2 का इस्तेमाल किया है, यानी एक फीमेल मछली के लिए दो मेल मछली। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है मछली का सीमन जो है बहुत ही कम रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में सीमन गिरा है, जिसकी वजह से दो मेल मछली को इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। एग्स को अगर सही फर्टिलाइजेशन आपको कराना है तो इसको मेल जो है बहुत अच्छे से इस अंडे के साथ मिक्स होना ज़रूरी है, नहीं तो इसका फर्टिलाइजेशन जो है बहुत ही ख़राब आपको देखने को मिल सकता है। अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा पानी देके भी आप इसको मिला लें, इससे क्या होगा जो मेल का घनापन था वो थोड़ा पतला हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्स को जाके वो फर्टिलाइज कर पाएगा। यही पे जो तकनीक है इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग हमेशा ही। तो थोड़ा सा पानी देके इसको घुमाने के बाद जो है आगे का प्रोसेस हम करने वाले हैं। आगे का प्रोसेस के लिए इसी गमले में थोड़ा पानी देंगे, जिससे ये अंडा को थोड़ा जगह मिल जाए। दोस्तों, मछली जब अंडा देती है तब अंडा का साइज काफ़ी छोटा छोटा रहता है, और इस गमले में हम लोग जैसे प्रोसेस कर रहे हैं इससे क्या होता है मेल भी अच्छे से मिक्स होता है और ये मछली का अंडा का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। और इसी जो इस तरह से जो हम घुमा रहे हैं इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, जैसे कि आप जानते हैं ये अंडा जो है बहुत ही पतला होता है, अगर नीचे भी इस बाटी का हिस्सा जो है लग जाए तो अंडा फट सकता है, तो धीरे धीरे आपको घुमाना होगा तभी जाके कुछ दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों, मैं इस ब्रीडिंग प्रोसेस को क्यों दिखा रहा हूँ ये भी आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने बताया था सारा चीज़ धीरे धीरे बताऊँगा, और अभी मैं सब मछली का स्ट्रिपिंग प्रोसेस जो है वो दिखा रहा हूँ, जिससे आप जान पाए कौन कौन सी मछली को आप स्ट्रिपिंग कर सकते हो और कौन कौन मछली को आप जो है नेचुरल ब्रीडिंग करा सकते हो और कौन कौन मछली को दोनों तकनीक इस्तेमाल करके ब्रीडिंग करा सकते हैं।
और इसके साथ साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा इस अंडे को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, इसे किस तरह से स्पॉन तैयार किया जाता है, फिर इस स्पॉन को टैंक में किस तरह से रखा जाता है, इसको किस तरह से फीडिंग कराया जाता है, सारा चीज़ मेरे वीडियो द्वारा आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ आपको बने रहना होगा और लगातार वीडियो को देखते रहना होगा। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको आप कलेक्ट करते रहेंगे तो सारा ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में आप सीख पाएंगे। कैसे यहाँ पे देखिए, मैंने हाथ से भी इसको घुमा रहा हूँ और अंडा का साइज जो है पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसको जार में डालने का समय भी आ चुका है। और जब पहला ब्रीडिंग आया था तब इस अंडे को हम लोग हाथ भी नहीं लगाते थे, जो मुर्गी का पंख होता है उसी से इसको घुमाते थे, वो काफ़ी पुराना बात है, अभी काफ़ी एडवांस हो चुका है, इस तरह का चीज़ अभी हम करते भी नहीं है और लगता भी नहीं है। अभी यहाँ पे एक चीज़ है, जो इस तरह से अंडा को घुमाया जाता है तो पानी ना कुछ समय में ख़राब हो जाता है, जिसका कलर जो है वो डिसकलर हो जाता है, फिर कुछ समय के लिए आप अंडा को छोड़ दें, कुछ चंद सेकंड के लिए अंडा को इस तरह से छोड़ दें तो अंडा नीचे बैठ जाएगा, फिर पानी जो है ऊपर की तरफ रहेगा, पर गमला को थोड़ा हल्का करके ऊपर के पानी जो है बाहर की तरफ फेंक देना होगा, फिर नया पानी आप इसमें दें, फिर आप थोड़ा सा घुमाएं, इस तरह से 3-4 बार करने के बाद आपका अंडा जो है बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा जार में देने के लिए। अभी जो हमारा मछली का अंडा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इस बल्टी में लेके हम लोग इसको जार में डालेंगे। बस यही है वो जार या फानल, और इसमें देख रहे हैं पानी अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका पानी का बहाव का मेंटेन आपको सीखना होता है, कितना फ्लो रखना चाहिए, अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो जाता है तो अंडा जो है जार में फट जाता है, अगर सही से रहता है तो कुछ नहीं होता है। और दोस्तों ये पानी का बहाव के बारे में बताऊं तो इसको मेंटेन करते रहना होता है, ये अंडा जब बड़ा हो जाएगा तो इसका बहाव को थोड़ा कम करना होता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा भी किस तरह से करना होता है और कितना रखना होता है। इसके लिए आपको पहले ही बोला सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिए, तभी जाके आपको सब जानकारी धीरे धीरे मिल जाएगा। तो इसके अंदर 24 घंटा रहेगा ये अंडा, ये 24 घंटा नहीं 48 घंटा रहेगा, यानी 24 घंटा में इस अंडे से जो है बच्चा होके निकल जाएगा और 48 घंटा में इस अंडे से जो बच्चा होगा वो उसको हम लोग सेलिंग भी कर देंगे और 36 घंटा में इसका बच्चा जो है इस जार से निकाल के जो टैंक है नीचे वाला स्पॉन टैंक है उसमें रख देंगे, जहाँ पे और 24 घंटा रखने के बाद खिलाने के बाद फिर इसको सेलिंग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज मैं कातल मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस जो है स्टीपिंग प्रोसेस जो वो बताया, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।